मनुष्य को इन 8 चीज़ों पर हर समय नज़र बनाए रखनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग एक त्रिया चरित्र की गजब कहानी है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो के अंदर छुपी हुई जो जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इन 8 चीज़ों की एक क्षण के लिए भी अनदेखा ना करें। त्रिया चरित्र की ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने। एक बहुत ही सुंदर कहानी है पंच तत्र की। त्रिया के चरित्र को और मनुष्य के भाग्य को देवता लोग भी नहीं परख पाए, हमारी और आपकी तो मजाल क्या है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में एक सुधाकर नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंचला था। वो हमेशा दूसरे पुरुषों में आसक्त रहती थी। उसके इस तरह के व्यवहार से गांव में उसकी निंदा भी खूब होती थी। पर आपको बता दें कि सुधाकर ने जब अपनी पत्नी, अपनी स्त्री के चरित्र को लेकर गांव में निंदा सुनी, तो उसने सोचा कि लोग मेरी स्त्री की बहुत बुराई करते हैं, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए कि वो वास्तव में ऐसी है या लोग झूठा बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, यदि अग्नि ठंडी हो जाए तो चंद्रमा ऊष्मा हो जाए, सागर का जल मीठा हो जाए, तभी स्त्रियों में सतीत्व हो सकता है। खैर, मैं अपनी स्त्री की छिपकर परीक्षा करूँगा, क्योंकि कहते भी हैं कि इन 8 चीज़ों की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 बालक, नंबर 3 रोग, नंबर 4 दास, नंबर 5 पशु, नंबर 6 धन, नंबर 7 विद्या, नंबर 8 सेवा। मनुष्य को इन पर हर क्षण दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। इनकी अनदेखी करने का अर्थ है स्वयं का और दूसरों का नुकसान करना। स्त्री की अनदेखी करने पर वो स्वतंत्र होकर के भटक सकती है, दुष्ट पुरुषों के बहकावे में भी आ सकती है, या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। बुरी मनसा वाले लोग उसे अपना अवसर भी बना सकते हैं। दोस्तों, हर समय दृष्टि रखने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता या उसके अधिकार छीन लिए जाएं। वो हर कार्य के लिए स्वतंत्र है, पर उसके हर कार्य में पिता, पति, पुत्र या भाई का समर्थन और सहयोग होना अनिवार्य है। इनकी देखरेख में ही वो अपने सारे कार्य कर सकती है। इससे नारी का चरित्र भी दूषित नहीं होगा और उसकी मान प्रतिष्ठा भी बड़ी बनी रहेगी। बालक की निगरानी रखने से बालक मुसीबत में नहीं पड़ेगा, बुरी संगत से बचा रहेगा और उसमें अवगुण भी उत्पन्न नहीं होंगे। रोग के अनदेखी करने से रोग नासूर बन जाता है, समय रहते उसका उपचार हो जाता तो वो कम खर्च और कम कष्ट उठाने पर भी ठीक हो सकता है। नौकर की अनदेखी करने का अर्थ है कि वो लापरवाह हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। पशु की अनदेखी करने से वो किसी खंडर खाई में गिर सकता है, आवारा या हिंसक हो सकता है। धन की अनदेखी करने से आपके साथ साजिश रची जा सकती है, चोर और धूर्त लोग उसे हड़प सकते हैं। विद्या का अभ्यास न रखने से इस विद्या को भूल सकते हैं, समय पर आपकी प्रतिभा सही परिणाम नहीं दे सकती। सज्जन पुरुषों की सेवा न करने से ईमानदारी, इंसानियत, सदाचार, संस्कार विलुप्त हो सकते हैं। सज्जन पुरुषों की वजह से ही समाज में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। दोस्तों, वर्ण तो दुनिया में पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। अब वहीं आ जाइए कि जब सुधाकर ने अपनी पत्नी चंचला की परीक्षा लेने का निश्चय किया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे 2-4 दिन लग सकते हैं, तुम मुझे
रास्ते के लिए कुछ पकवान बना कर के रख देना, भूख लगने पर मैं उन्हें खा लूँगा। सुधाकर के बाहर जाने की बात सुन कर के पत्नी बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी देसी घी के पकवान बना कर के पति को दे दिए। और किसी ने सच कहा है कि बादलों की घटा आने पर, अंधेरा होने पर, पति के परदेश जाने पर और मोहल्ले में हलचल न होने पर दुष्ट स्त्रियां खुश होती हैं। उधर सुधाकर के घर से जाते ही चंचला घर में श्रृंगार आदि करके सज करके बैठ गई। शाम होने पर वो अपने प्रेमी देवड़ा से कहे आई कि आज मेरा पते परदेश चला जाएगा, घर वालों के सो जाने पर तुम मेरे घर आ जाना। उधर सुधाकर पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा और शाम होते ही चुपचाप अपने घर में घुस करके खटिया के नीचे आकर के लेट गया। रात होने पर जब चंचला का प्रेमी आया तो वो भी आकर उसी खटिया पर बैठ गया। उसे आया देख सुधाकर को गांव में हो रही निंदा पर विश्वास होने लगा। दोस्तों, गुस्सा भी उसे बहुत आ रही थी। सोचने लगा इसे मारूं या फिर सो जाने पर इन दोनों को मार डालूं। पहले इनकी गुप्त को सुन लेता हूं, आखिर ये क्या बात करेंगे। दोस्तों, सुधाकर खटिया के नीचे पड़ा था और उसका मित्र खटिया पर बैठा था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद करके अपने प्रेमी के पास आई तो किसी तरह से उसके पैर खटिया के नीचे पड़े उसके पति से छू गया। वो समझ गई कि उसका पति मेरी परीक्षा के उद्देश्य से बाहर न जा कर के खटिया के नीचे चारपाई के नीचे ही पड़ा है। परदेश जाने की तो सिर्फ उसकी चाल थी। उसने सोचा अब मैं इसे ऐसा त्रिया जाल दिखाऊंगी कि ये भी याद करेगा। दोस्तों, चंचला ये सब सोच ही रही थी कि इतने में उसके प्रेमी ने उसे छूना चाहा। उसी समय चंचला हाथ जोड़कर अपने प्रेमी से बोली, खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ, मैं एक पतिव्रता और महासती स्त्री हूँ, मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने वाला भस्म हो जाएगा। दोस्तों, उसके मुख से ऐसी बातें सुनकर के उसका प्रेमी भी हैरत में पड़ गया। कहने लगा, फिर तुमने मुझे इतनी रात अपने घर क्यों बुलाया। चंचला बोली, सुनो, तुम्हें बुलाने का एक दूसरा कारण है। आज सवेरे मेरे पति के परदेश जाने के बाद मैं देवी के मंदिर में गई थी। मैंने देवी की पूजा की तो देवी ने आकाशवाणी करते हुए मुझसे कहा कि एक माह के भीतर मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी और तू विधवा हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने देवी से विनती करके कहा कि हे देवी, मैं तेरी रोजाना पूजा करती हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उम्र 100 वर्ष हो जाए, मेरे पति खत्म न हो। मैंने कहा, अगर मेरे प्राण लेकर भी मेरे पति की उम्र बच सकती है तो बचा दीजिए, बढ़ा दो। तब देवी ने मुझे बताया कि मेरे पति की अकाल मृत्यु होने से तभी बच सकती है जब तू किसी पर पुरुष को अपने घर में बुला कर के उससे आलिंगन करेगी। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, अब तो मुझसे आलिंगन कर सकते हो। दोस्तों, पत्नी की बात सुनकर के वो मूर्ख सुधाकर मन ही मन प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा कि मेरी स्त्री मुझे बहुत चाहती है, मेरे प्राण बचाने के लिए ही उसने ये सब किया है। नगर के लोग तो ऐसी सती साध्वी को व्यर्थ ही बदनाम करते हैं। खुशी के मारे उससे रहा नहीं गया, वो एकदम से खाट से नीचे से निकल कर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, पतिव्रता ही प्राण प्रिया, मुझे क्षमा कर दो, दुष्ट लोगों के बहकावे में आकर के मैंने तुम्हारी परीक्षा करने की हिम्मत कर डाली। आज मुझे
पता चल गया कि पति की भक्ति करने वाली स्त्रियों में तुम सबसे ऊपर हो। तुमने पर पुरुष के साथ बैठ करके भी पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तुम धन्य हो। दोस्तों, इतना कहकर कि उसने अपनी स्त्री को कंधे पर बैठा लिया। उसने चंचला के प्रेमी से भी कहा कि हे महापुरुष, मेरी स्त्री के कहने पर मेरी रक्षा की खातिर तुम मेरे घर आए। तुम्हारी कृपा से ही आज मैं मुझे 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, इसीलिए तुम भी मेरे कंधे पर बैठ जाओ। दोस्तों, इतना कहकर के उसने जबरदस्ती उसके प्रेमी को भी अपने कंधे पर चढ़ा लिया और उन दोनों को कंधे पर बिठा करके सवेरा होते ही वो अपने मोहल्ले में द्वार द्वार पर ले जाने लगा, दोनों की प्रशंसा के पुल बांधने लगा। किसी ने सच कहा है कि मूर्ख मनुष्य सामने पाप करने पर भी मित्रता के कारण शांत रहता है। दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखें, वो अवसर न आने दें कि लोग आपकी मूर्खता पर हंस रहे। बाद में मूर्ख बनने से अच्छा है कि पहले ही कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। शुक्र नीति कहती है कि वस्त्र एन आभूषण प्रेम और मीठे वचन, और यह था शक्ति व्यवहार करते हुए उन पर दृष्टि रखते हुए स्त्री पुत्र की सदैव रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य स्त्रियों का अपमान करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है, उनके लिए सही रास्ते पर लाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। क्योंकि जो पत्नियां अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करती हैं, पति को इस तरह से धोखा देती हैं, अक्सर करके उन्हें अंत में कष्ट और मुसीबत मिलते हैं और नरक में भी जाना पड़ता है। इसलिए अपने पति की सेवा करें, पराय पुरुष से प्रेम न करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए